जी तो व्यूवर्स आज हमने स्केप फोल्डिंग वाले टॉपिक को कंटिन्यू करना है थोड़ी सी उसकी टाइप्स के नेम पढ़ेंगे देन हम पढ़ेंगे कि फैक्टर फॉर डिजाइन ऑफ उसके फोल्डिंग क्या है और उसके बाद मटेरियल कौन सा यूज होता है मटेरियल जो यूज होता है उसका आज आ, इंट्रो लेंगे और बाकी का जो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था अनगर्वेनाइज वगैरह ये जो चीजें हैं ये हम इन डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अब अदर टाइप्स ऑफ स्कै फोल्डर देखें तो उस्पेंडेड भी देखे, भी बर्ड फोल्ड और वो ये आगे चल के और गेंट्रीज आपके पास आएंगे भी. अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्कैप फोल्डिंग के डिजाइन में इस्तेमाल होते हैं अमंग द फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर यूजिंग द डिजाइन प्रोसेस ऑफ स्कैप फोल्ड आर एज फॉलो नंबर वन इजियर टू बी इरेक्टेड इस तरह से बनाए जाए कि उनको इरेक्ट करने में उनको खड़ा करने में उनको वहाँ पर इंस्टॉल करने में आपको आसानी हो स्ट्रांग हो कि उनके ऊपर लोड आए या ऐसी चीजें आए तो वो बर्दाश्त करने की सकत रखते हो, लाइट नॉट हैवी हल्के फुल्के हों ताकि जो लेबर है जो उसके जो उसके साथ काम करके उसको इरेक्ट करेगी तो उसके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो सेफ हो महफूज सुटेबल हो जिस पर्पज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस परपज के लिए खास तौर पर बनी हुई हो देन वी हैव लिंक कनेक्टिंग टू अदर पैसे मेटीरियल यूज फॉर मेकिंग ऑफ कैन बी मेड ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल अब स्केब फोल्ड जो है वो किन किन मेटीरियल से बनाई जाएगी या कौन से मेटीरियल इन्वॉल्व होंगे स्कैप फोल्ड में मजीद इसकी जो डिटेल है गलमनाइज और अनगलमनाइज एंड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम जनरली देखेंगे कौन सा मेटीरियल यूज होता है scaffold. Scaffold one, steel, tube, जो बने के उनका स्टील ट्यूब आर नियरली थ्री टाइम्स हैवियर देन एल्यूमिनियम अलॉय ट्यूब बट आर आर फॉर स्ट्रांगर ठीक है जी स्टील स्टील ट्यूब जो है ये अल्यूमिनियम अलॉय से तीन गुना भारी होती हैं लेकिन बावजूद इसके इनकी मजबूती की वजह से हम इन्हीं को ही इस्तेमाल करेंगे लॉन्गर स्पैन कैन बी यूज सिंस इट डिफ्लेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली वन आवर थ्री ऑफ एलमोनियम अलाय ट्यूब इसके जो लॉन्गर स्पैन हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिफ्लेक्शन जो है अप्रोक्सीमेटली अल्मोनियम की जो है एक वन आवर थ्री है डिफ्लेक्शन में ठीक है जी देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टील्स के फोल्ड नंबर वन गर्बेनाइज स्टील ट्यूब्स नंबर टू अनगेल्वनाइज स्टील टूज डेट नीड स्पेशल केयर पेंटिंग वर्निशिंग और ऑयल बाथ आफ्टर यूज अब गेल्वेनाइज और अनगेलवेलाइज जो स्टील होंगे इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम अगले लेक्चर में तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफि